पंजाब नेशनल बैंक में हुए 11,000 करोड़ के घोटाले पर सीधे पीएमओ की नजर, वित्त मंत्रालय के साथ जांच की निगरानी। वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला का बयान, घोटाले के आरोपी नीरव मोदी के प्रत्यार्पण की करेंगे कोशिश, अभी तक नीरव का नहीं मिला पुख्ता सुराग, न्यूयॉर्क हांगकांग या यूरोप में छिपे होने का शक। सीबीआई ने कोर्ट से 280 करोड़ के घोटाले का किया जिक्र, 11,400 करोड़ का नहीं लिया नाम। पीएनबी का सिंगल विंडो कर्मचारी मनोज खराट भी गिरफ्तार, नीरव मोदी के करीबी हेमंत भट्ट को भी पकड़ा गया। 3 मार्च तक सीबीआई हिरासत में भेजे गए पीएनबी घोटाले में गिरफ्तार तीनों आरोपी, गिरफ्तार आरोपियों में पीएनबी के पूर्व डिप्टी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी भी शामिल। पीएनबी घोटाले में राहुल गांधी ने सीधे पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा बगैर संरक्षण के नीरव मोदी नहीं कर सकता इतना बड़ा घोटाला। राहुल गांधी ने पीएम मोदी की चुप्पी पर उठाए सवाल, कहा महाघोटाले पर जवाब दे प्रधानमंत्री मोदी, 22,000 करोड़ का बताया स्कैम। 22,000 करोड़ रुपए का स्कैम जो मोदी जी ने पैसा लिया है, इसको बिना हाई लेवल के प्रोटेक्शन के किया ही नहीं जा सकता। राहुल ने घोटाले को नोटबंदी से जोड़ा, कहा पीएम मोदी ने देश का पैसा बैंकिंग सिस्टम में डाल दिया। 500 रुपए और 1,000 रुपए का नोट रद्दी किया, उस समय उन्होंने पूरा का पूरा देश का पैसा लोगों की जेब से निकालकर बैंकिंग सिस्टम के अंदर डाला। पीएनबी घोटाले को कांग्रेस ने ठहराया मोदी सरकार का घोटाला, रणदीप सुरजेवाला का आरोप, 2017-18 में जारी हुए 367 एलओयू। पीएम मोदी पर कपिल सिब्बल का तंज, कहा चौकीदार सोता रह गया और चोर भाग गया। निर्मला सीतारमन ने घोटाले में राहुल गांधी का नाम घसीटा, कहा नीरव मोदी की कंपनी के प्रमोशनल इवेंट में शामिल हुए थे राहुल। मांग घोटाले पर सीतारमन और अभिषेक मनु सिंघवी में जुबानी जंग, मंत्री ने कहा नीरव मोदी की कंपनी से मिली सिंघवी परिवार को फायदा, सिंघवी ने दी मानहानि केस की धमकी। नीरव मोदी के न्यूयॉर्क वाले ठिकाने पर सीबीआई की नजर, अमेरिका से ज्यादा जानकारी जुटाने के लिए जांच एजेंसी सरकार से करेगी गुहार। ईडी सीबीआई और आयकर विभाग के बाद अब सीवीसी ने भी शुरू की जांच, पीएनबी और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों को भेजा समन। सूत्रों के मुताबिक पीएनबी के एमडी और सीईओ सोमवार को होंगे सीवीसी के सामने हाजिर, बैंक के चीफ विजिलेंस ऑफिसर भी होंगे साथ। सीवीसी सोमवार को ही पीएनबी के विजिलेंस मॉनिटरिंग सिस्टम की करेगा समीक्षा, तब आगे की कार्रवाई पर होगा फैसला। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के खिलाफ ईडी ने जारी किया दूसरा समन, पहले समन पर पेश नहीं हुए थे दोनों। सीबीआई ने मुंबई के ब्रांडी हाउस फोर्ट स्थित पीएनबी के शाखा में चलाया सर्च ऑपरेशन, पीएनबी के 6 अधिकारी से पूछताछ। मुंबई में नीरव मोदी के खिलाफ एनसीबी का प्रदर्शन, पीएनबी के ब्रांडी हाउस ब्रांच के बाहर कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। सूरत में आज भी नीरव मोदी के खिलाफ जांच पड़ताल, ईडी ने सचिन इलाके में लगातार तीसरे दिन की छापेमारी। पटना के कोतवाली इलाके में गीतांजलि ज्वेलरी शॉप पर छापेमारी, ईडी के अधिकारियों ने कई घंटे तक की पड़ताल। राजस्थान के भरतपुर में भी पीएनबी के 2 अधिकारी निलंबित किए गए, दोनों ही आरोपी अफसर मुंबई में थे तैनात। त्रिपुरा में आज विधानसभा चुनाव के लिए मतदान, कुल 60 सीटों में से 59 सीटों पर वोटिंग जारी, शाम 4 बजे तक होगा मतदान। त्रिपुरा में सीपीएम की है सरकार, इस बार सीपीएम और बीजेपी में है कांटे की टक्कर, आज मतदान के लिए सुबह से लगी कतार, बड़ी तादाद में पोलिंग बूथ पर पहुंची महिलाएं। त्रिपुरा में लेफ्ट का किला ढहाने के लिए बीजेपी ने किया था जोरदार प्रचार, 25 साल से त्रिपुरा में है लेफ्ट की सरकार, पिछले 20 सालों से लगातार सीएम है माणिक सरकार। चुनाव आयोग ने भारी संख्या में सुरक्षा बलों को किया तैनात, 300 कंपनी से ज्यादा केंद्रीय बल की निगरानी। त्रिपुरा की चरिलम विधानसभा सीट पर 12 मार्च को होगा मतदान, लेफ्ट उम्मीदवार रामेंद्र नारायण की मौत से टाला गया चुनाव। त्रिपुरा में 60 सीटों वाली विधानसभा में 20 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए है आरक्षित, मौजूदा वक्त में 7 सीटों में से 50 सीटों पर लेफ्ट का है कब्जा। मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को होगा मतदान, विधानसभा चुनाव के लिए डाले जाएंगे वोट। 3 मार्च को आएंगे त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड विधानसभा चुनाव के नतीजे।
224 सीटों वाली कर्नाटक विधानसभा के लिए जेडीएस ने जारी की 126 उम्मीदवारों की पहली सूची। एचडी कुमार स्वामी रामनगर से लड़ेंगे चुनाव। जेडीएस ने एचडी देवेगौड़ा को सीएम सिद्धरमैया के खिलाफ मैदान में उतारा। चामुंडेश्वरी विधानसभा सीट से लड़ेंगे चुनाव। नवी मुंबई से ही पीएम मोदी आज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के चौथे कंटेनर का करेंगे उद्घाटन। अक्टूबर 2015 में किया था इसका शिलान्यास। मुंबई में आज पहली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आरंभ। शाम करीब 6 बजे पीएम मोदी करेंगे मैग्नेटिक महाराष्ट्र कन्वर्जेंस 2018 का उद्घाटन। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के एमएमआरडीए मैदान में है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पीएम मोदी आज कारोबारी समूह के प्रमुखों के साथ करेंगे हाई टी पार्टी। सीएम देवेंद्र फडणवीस भी रहेंगे मौजूद। बदलेगा बीजेपी के मुख्यालय का पता। अब 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर हुआ नया दफ्तर। अब तक 11 अशोक रोड का ठिकाना। उद्घाटन समारोह के लिए नए दफ्तर में पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। कुछ देर में पहुंचेंगे पीएम। पीएम मोदी करेंगे 6 डीडीयू मार्ग पर बने बीजेपी के नए हेडक्वार्टर का उद्घाटन। महज 1.5 साल में हुआ है तैयार। 6 एकड़ में बनाया गया बीजेपी का 5 मंजिला दफ्तर। नए बीजेपी हेडक्वार्टर में है कुल 70 कमरे। 400 वाहनों के लिए है पार्किंग स्पेस। गौ क्रांति मंच की दिल्ली में आज रैली। गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज वाराणसी में संघ समापन समागम को करेंगे संबोधित। दत्तात्रेय होश बोले। इंद्रेश कुमार सुरेश सोनी भी रहेंगे मौजूद। वाराणसी में आज संघ के कार्यक्रम में करीब 25,000 स्वयंसेवक रहेंगे मौजूद। अभिनेता से नेता की ओर कदम बढ़ा चुके कमल हासन। आज मीडिया से होंगे मुखातिब। दोपहर 1 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कमल हासन रामेश्वरम स्थित पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के आवास से शुरू करेंगे अपना राजनीतिक सफर। 21 फरवरी से करेंगे सियासी पारी का आगाज। जेएनयू में हुए बवाल मामले में चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की शिकायत पर 2 एफआईआर दर्ज। 4 नामजद समेत कई अज्ञात लोगों पर केस। 7 दिन के भारत दौरे पर आए कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो। 23 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। आज आगरा जाने का कार्यक्रम। भारत और ईरान के बीच 9 समझौतों पर हस्ताक्षर। दोहरे कर से बचने, वीजा नियम आसान करने और प्रत्यर्पण संधि पर सहमति। मॉकड्रिल में खुली यूपी पुलिस की तैयारियों की पोल। आंसू गैस का गोला फेंकते वक्त सीओ हुए धड़ाम। कई पुलिसकर्मी और अधिकारी आंसू गैस के गोले के पिन नहीं ओपन कर सके। एसएसपी ने बताया उसे खोलने का तरीका। उपद्रवियों का पीछा करने की प्रैक्टिस में भी पुलिसकर्मियों के छूटे पसीने। एक पुलिसकर्मी गिर पड़ा। पटना यूनिवर्सिटी के चुनाव में एबीवीपी का फहराया परचम। छात्र संघ की 5 सीटों में से 3 पर किया कब्जा। नतीजे के वक्त पुलिस की मौजूदगी में 2 गुटों में हुई मारपीट। निर्दलीय प्रत्याशी दिव्यांशु भारद्वाज चुने गए पटना यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ उपाध्यक्ष पद पर एबीवीपी की योशिता पटवर्धन विजयी। कोषाध्यक्ष और महासचिव पद पर भी एबीवीपी का कब्जा। सचिव पद पर जन अधिकार पार्टी। मणिपुर में 60 करोड़ की अफीम खेती नष्ट की गई। केरल के पालक्कड़ में 30 करोड़ की प्रतिबंधित दवाएं सीज। गांधीनगर में बीजेपी विधायक कृष्ण सोलंकी को कुछ दलितों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पाटन में दलित के आत्मदाह के बाद कल अस्पताल में परिजनों से मिलने पहुंचे थे विधायक। भोपाल में मध्य प्रदेश जमात उलमा के अध्यक्ष हाजी हारून के बेटों और एक निर्दलीय पार्षद के बीच थाने में हुई मारपीट। समर्थकों को छुड़ाने में पुलिस के छूटे पसीने। अवैध निर्माण के विवाद में दोनों गुट पहुंचे थे थाने। सामने हुए हंगामे के बाद अब पुलिस कर रही है जांच के बाद गिरफ्तारी की बात। केरल के अलापुजा में केएसयू और डीवाईएफआई कार्यकर्ता भिड़े। पथराव में कई अधिकारी और मीडियाकर्मी भी घायल। अलापुजा में हंगामे के बाद पुलिस ने उपद्रवियों पर किया लाठीचार्ज। कुन्नूर में हिंसा जारी, एक और घायल। दिल्ली के वसंत विहार में लूट का विरोध करने पर एक शख्स पर धारदार हथियार से हमला। गाड़ी से कुचलने की भी कोशिश। पीड़ित से 50,000 कैश, अंगूठी, चेन लेकर फरार हुए बदमाश। ट्रॉमा सेंटर में भर्ती घायल का काटना पड़ा एक हाथ।
दिल्ली के मेहरौली स्थित एक होटल में आपसी रंजिश में हुई चाकूबाजी, एक युवक की गई जान, एक घायल। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में एक युवक पर बदमाशों ने की गोलीबारी, पैर में लगी दो गोलियां, गुरु तेग बहादुर अस्पताल में भर्ती। ग्रेटर नोएडा के डेल्टा 2 सेक्टर में बदमाशों ने मिनी ट्रक में सवार कारोबारी पिता पुत्र से 3 लाख कैश लूटा, वारदात को अंजाम देकर बाइक सवार बदमाश हुए फरार। पर्यटन स्थल मानू में पत्थर से निकलने वाले संगीत का आकर्षण, बड़े पत्थर पर चोट करने से निकलती है सुरीली ध्वनियां। किम वदंती के मुताबिक संगीत प्रेमी राजाबाद बहादुर की महफिल में इस पत्थर का होता था इस्तेमाल। हिमाचल में इको फ्रेंडली टैक्सी सेवा की शुरुआत, 9 शहरों में दौड़ेगी 50 इलेक्ट्रिक कैब। गुलाब महोत्सव से गुलजार हुआ पुणे, गुलाब की 2000 किस्मों की लगी प्रदर्शनी। हैदराबाद में नेशनल नेचुरल फूड फेस्टिवल का आयोजन, लोगों ने उठाया जायके का लुत्फ। आज से शुरू हो रही भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज, जोहान्सबर्ग में शाम 6 बजे से शुरू होगा मुकाबला। T20 सीरीज में सुरेश रैना पर होगी निगाहें, साल भर बाद करेगी टीम में वापसी। पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली ने विराट कोहली को विवियन रिचर्ड्स से बेहतर बल्लेबाज बताया, कहा आंकड़े झूठ नहीं बोलते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ब्रांड एम्बेसडर बने शोएब अख्तर, पीसीबी चेयरमैन के सलाहकार की भी मिली जिम्मेदारी है। मेक्सिको में हेलीकॉप्टर हादसा, 13 लोगों की मौत। दक्षिण कोरिया के गैगाइन में समुद्री तट पर फायर आर्ट से दर्शकों का मनोरंजन करते दिखे कलाकार। लंदन की एक इमारत में लगी भीषण आग, किसी के घायल होने की खबर नहीं। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।